हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कान्हा जी के लिए शरद पूर्णिमा के लिए देखिए बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही प्यारी जो है वो ड्रेस बनाना बताऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी ड्रेस है और आपके कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये मैंने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, पर आप इसको किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया कि आपको कैसे बनानी है। और इसके साथ ये देखिए फ्रेंड्स, ये चांद वाली जो पगड़ी है ये मैंने वीडियो में बनानी नहीं बताई है फ्रेंड्स। इसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके साथ ये पगड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी फ्रेंड्स। और जब कान्हा जी इस पगड़ी को पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई है ये सिंपल चोली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको फ्रेंड्स, जो भी मटेरियल अगर आपको परचेज करना है, नेट, सैंटून या जैसे फ्लावर्स हैं या ये स्टोन्स है, कुछ भी आपको परचेज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको दे दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे सामान परचेज कर सकते हैं। बूटीज वगैरह मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपना बेस जो है वो रेडी कर लिया है और हम ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। ये मैंने 9 इंच का बेस लिया है, ये देखिए पूरा 9 इंच का जो है इसका डायमीटर है। तो आप जिस नंबर के भी कान्हा जी के लिए बना रहे हैं आप उतने इंच का आप डायमीटर कट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको हर साइज में बना सकते हैं। और इस बेस की वीडियो मेरे चैनल पर अलग से अपलोड है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देखकर किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। मैंने फुल डिटेल में बेस बनाना बताया हुआ है। और अब ये देखिए, मैंने ये ली है सिल्वर कलर की ही लेस ली है फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट में है, ये देखिए बहुत ही प्यारी है। तो इससे हम फुल व्हाइट कलर की ही ड्रेस बनाएंगे क्योंकि हम शरद पूर्णिमा के लिए बना रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पूरा बेस अपना रेडी कर लिया है और इस लेस को मैं इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी। और ये देखिए, मैंने 9 इंच का बेस इसलिए कट किया है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो मेरी लेस है ये थोड़ी थोड़ी बाहर भी निकलेगी, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 10 इंच का हमारा रेडी हो जाएगा हमारी ड्रेस जो है। तो इसलिए जो है मैंने इसको 9 इंच का कट किया है। तो आप भी जिस नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं और इस टाइप की कोई लेस लगा रहे हैं जो थोड़ी बाहर निकलेगी, तो आपको 1 इंच कम कट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको पूरे सर्कल पे यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टिच कर लूँगी, ऐसे पूरे सर्कल पे यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लेस लगा ली है, चारों तरफ स्टिच करी है फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ से। तो मैंने इसको स्टिच किया, आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी कम रह गई थी तो मुझे ऐसे कट करना पड़ा ये पैच। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे अपनी ड्रेस को कि कितना बचा है। ये देखिए ऑलमोस्ट 3.25 इंच आ रहा है, 3.25 इंच कितना, जैसे 3 इंच है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे ये 3.25 इंच हमारा आ रहा है, 2.5 से 2 पॉइंट आगे। तो ऐसे हमारे देखिए, हम जहाँ से भी देखेंगे 3.25 इंच ही हमारा आ रहा है, ये देखिए 3.25 इंच। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, अपने नेट की ये देखिए 3 इंच चौड़ी थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा कट करी है, ये देखिए 3 इंच चौड़ी मैंने अपनी ये जो है 3 पट्टियाँ कट करी, और पट्टियाँ जितनी हमारे कपड़े का अर्ज है, और उसको फिर हम ऐसे प्लेट्स डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मशीन के नीचे रखनी है और इस तरीके से हम इसमें ऊपर से बिल्कुल हमें पास पास ही प्लेट्स डालनी होती हैं, इस तरीके से बहुत इजीली जो है वो प्लेट्स डल जाती हैं इस तरीके से ऐसे। और फिर आपको सिलाई लगा देनी है, फिर आपको ऐसे थोड़ी सी प्लेट्स डाल लेनी है ऐसे इकट्ठे करके। तो ऐसे प्लेट्स डाल डाल कर जो है हमें इस तरीके से ये देखिए ये फ्रिल बना लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारी पूरी जितनी हमारी ये कमर है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें मेरी 2.5 पट्टियाँ लगी हैं फ्रेंड्स, और एक पट्टी की लेंथ ऑलमोस्ट 45 to 50 इंच थी, तो मेरी 2.5 पट्टियाँ इसके अंदर लग गई हैं। तो ये आपके छोटे या बड़े कान्हा जी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके छोटे कान्हा जी हैं तो आपकी कम पट्टियाँ लगेंगी, अगर बड़े हैं तो इससे भी ज़्यादा लगेगी। और कुछ आपकी फ्रिल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अगर फ्रिल थोड़ी गहरी डालते हैं तो ज़्यादा लगेगी। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अंदाजे से ले सकते हैं जितनी पट्टियाँ आपको लेनी है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और हम इसको ऐसे गोलाई में पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, हम रख कर इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे, पूरा यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो बाद में वो कट हो जाएगा। और स्टिच करने के बाद इन प्लेट्स को हम ये देखिए ऐसे इकट्ठा करके और हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टिच कर और इसको अच्छे से सारी प्लेट्स को सेट करते हुए और मैंने प्रेस लगा लिया। देखिए कितने अच्छे से हमारी जो है वो सेट हो गई है नेट। और हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि ये साड़ी जो है कि अनइवन है, ये देखिए कहीं से छोटी कहीं से बड़ी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए जो हमारी ये जो लेस है, ये देखिए यहाँ इस लेस को देखते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इससे क्या है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, एकदम इक्वल फिनिशिंग आएगी आपकी, कहीं से छोटी बड़ी नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कट कर दिया है और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ, क्योंकि हमने कट किया है तो ये देखिए कितना अच्छी फिनिशिंग आई है, एकदम इक्वल। और हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स को फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन है तो आप उससे भी लॉक कर सकते हैं, मेरे पास सिल्वर कलर का नहीं है। तो ये देखिए मैंने साठन का रिबन ले लिया है, ये स्टेशनरी शॉप पर बहुत इजीली मिल जाता है, व्हाइट कलर का है ये हाफ इंच का। तो मैं इससे इसके यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स जो है वो लॉक कर दूंगी। और उसके बाद कॉर्नर्स लॉक करने के बाद हमें इस पे लगाना है नेफा। तो नेफा लगाने के लिए देखिए मैंने अपने 2.5 इंच की एक नेट की पट्टी कट करी और लेंथ मैंने अंदाजे से ले ली है। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे डबल करेंगे और इसको अपनी ड्रेस के बैक साइड में ले जाकर और यहाँ से यूँ रखते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसको कट कर देंगे और ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से ऐसे बाहर की साइड लेकर आएंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगी ऐसे यहाँ पर। और इसको फ्रेंड्स यहाँ पर फिर स्टिच करने से पहले आप क्या कीजिए, या तो आपके पास वाइट कलर में ही कोई रिबन हो तो आप वो भी डाल सक, मैं ये वाला रिबन जो है वो डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर की कोई डोरी नहीं है तो मैं ये वाला रिबन जो है इसको ही डाल दूंगी, अपने साठन के रिबन को इसके अंदर मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल दूंगी और फिर हमें इसको स्टिच करना है, क्योंकि ये बाद में नहीं डलेगा तो इसलिए आपको ये डाल लेना है। तो चलिए पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर अपने साठन के रिबन से इसको कॉर्नर को लॉक कर दिया और यहाँ पर नेफा भी लगा दिया और इसके अंदर ये देखिए मैंने साठन का रिबन ही अपना डाल दिया है। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अपनी यही वाली लेस लेंगे और आपको ये मेज़र कर लेनी है, मेरे इसके अंदर ये 4 फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, क्योंकि ये फ्रेंड्स इधर से बहुत ज़्यादा छोटी गोलाई में जो है ये सर्कल है, तो हम क्या करेंगे इसको मिडल में से ऐसे करके, तो मेरे 4 पैच आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने लगा ली है मेज़र करके। तो ये देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके चारों पर सिलाई लगा ली और यहाँ से भी फ्रेंड्स मैं हल्का हल्का मैंने कट किया है इसको, ये जो लेस यहाँ से इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ से हमने हल्की सी यहाँ से कट कर ली है, क्योंकि हम इसको यहाँ से कट करके एज ए पैच के रूप में भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से कट करके और फिर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से हल्की हल्की सी कट कर दी है इसको और ये देखिए मेरे 4 पैच आ रहे थे, मैंने मेज़र कर लिया है तो मैंने 4ों में पूरे 4 में ऐसे सिलाई लगा ली। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे इस कॉर्नर पर और इसको हम इस तरीके से यहाँ तक सिल देंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे, देखिए पूरे 4 जो है मेरे परफेक्ट आए हैं, तो ऐसे हम जो है इसको सिल देंगे। तो चलिए सिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर ये लेस अपनी स्टिच कर ली थी और उसके बाद ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्नर में जो स्पेस बचा था हमारा, वहाँ पर मैंने ये फोम फ्लावर्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास जो भी व्हाइट कलर की चीज़ हो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस लगा सकते हैं। और ये देखिए ये मेरे पास व्हाइट कलर में ही स्टोन्स थे, तो ये स्टोन भी जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और ये सब मैंने ग्लू गन से लगाए हैं फ्रेंड्स। आप फैब्रिक ग्लू से या किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। और ये बनाइए मैंने इसके साथ की सिंपल चोली, तो ये चोली मैंने कई वीडियोस में अपनी बनाने बता रखी है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बनाई है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम कान्हा जी को व्हाइट कलर की ज्वेलरी पहनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आप बना सकते हैं ये वाली पगड़ी। तो इसकी जो वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखकर बना सकते हैं। देखिए ये शरद पूर्णिमा के लिए मैंने चांद वाली ही ये पगड़ी बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर पगड़ी है फ्रेंड्स। और जब कान्हा जी पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये देखिए एकदम मैचिंग में ये पगड़ी आएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।